ठीक है। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी करनाल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग अधिगम। ठीक है दोस्तों, तो अधिगम क्या है? जैसे कि आपने एक वर्ड सुना शिक्षण, टीचिंग, तो ये टीचिंग और अधिगम साथ साथ चलते हैं। ठीक, अगर शिक्षण उचित नहीं होगा तो अधिगम भी नहीं होगा, और अगर अधिगम नहीं हो पाया है तो उचित शिक्षण नहीं हुआ होगा। लर्निंग, ध्यान दीजिए, अधिगम क्या है? मान लीजिए मैंने कुछ भी पढ़ाया, तो आपने सीखा नहीं है वो, अभी मैंने पढ़ाया है आपने ग्रहण किया है, वो होती है नॉलेज। नॉलेज, मैंने टीचर ने पढ़ा दिया, आपने ज्ञान ग्रहण किया, टीचर ने पढ़ा दिया, आपने क्या किया, ज्ञान ग्रहण किया, आपने ज्ञान ग्रहण किया है। अगर आप उस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतार लेते हो, आप उस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतारते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अधिगम। लाइफ में उतारने का मतलब क्या है? आपके व्यवहार में कोई बदलाव आए। व्यवहार में अगर बदलाव आया है तो आपने लर्निंग की है, अगर व्यवहार में बदलाव नहीं आया है तो लर्निंग नहीं हुई है, और अगर लर्निंग नहीं हुई है तो वो टीचिंग भी नहीं है, वो उचित शिक्षण भी नहीं है। मतलब मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर मेरे पढ़ाने से आपके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया तो ना तो आपने कुछ सीखा, ना मैंने आपको उचित तरीके से पढ़ाया। मैंने भी आपको उचित तरीके से नहीं पढ़ाया है, इसलिए तो नहीं सीख पाए। अगर इम्प्रेसिव तरीके से पढ़ा लेते तो सीखा जाता। ठीक है, तो जी लर्निंग अधिगम ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो जैसे एक एक परिभाषा दी, ठीक है, करो एंड करो ने, ठीक है, डेफिनेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, परिभाषा की बात कर रहा हूँ। एक परिभाषा दे दी गई जिन्हें करो एंड करो के द्वारा, ठीक है, करो एंड करो ने परिभाषा दी क्या है, ये जी आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति को ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति को ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति को ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। आदत क्या है? हैबिट। ज्ञान क्या है? नॉलेज। और अभिवृत्ति क्या है? एटीट्यूड। आदत क्या है? हैबिट, ज्ञान, नॉलेज, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, व्यू, दृष्टिकोण, व्यू कह लीजिए, दृष्टिकोण कह लीजिए, एक ही बात है। तो आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति को ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। अब ध्यान दीजिए दोबारा से, यहाँ भी एक वर्ड आया आदत। क्या होती है आदत? पेपर का कुछ नहीं पता, वो क्या पूछ लेता है, आदत क्या है? आदत वो नहीं होती जो हम बार बार करते हैं, बल्कि आदत वो होती है जो बार बार हो जाती है, अपने आप हो जाती है, हम करते नहीं हैं, अपने आप हो जाती है। एक बच्चा है, उसका हाथ बालों में गया, अपने आप चला गया, कुछ मानसिक विचारधारा ऐसी चल रही होगी, हाथ चला गया। एक बच्चा पैर पे पैर रख के हिला रहा है पैर को, अपने आप चला जाता है, वो जानबूझ के यूँ नहीं करता कि हाँ मुझे पैर रखना है, अब मुझे हिलाना है ये पैर, ना। आदत क्या है? जो अपने आप हो जाए। बच्चा जो है अंगूठा चूसता है, नाखून काटता है, एक बच्चा नाखून चबा रहा है, आपने उसको डांट दिया, बेटा नाखून नहीं चबाना, वो फिर दो मिनट बाद आती हूँ, फिर कह देते हो बेटा अभी समझाया था, पाँच मिनट बाद फिर यूँ, तो वो सोच के नहीं चबाता कि मुझे चबाना है, भूख लगी है, ना, ये हाथ अपने आप चला जाता है। इसी तरह से अंगूठा चूसना लगा लीजिए, वो जो है अंगूठा जो अपने आप उसके मुँह में चला जाता है। तो जी ये क्या है? आदत। ज्ञान किसको बोला जाता है? ठीक है, टीचर ने बोला, टीचर ने पढ़ाया, और आप तक जो जानकारी पहुंची है,
आप तक केवल वो जानकारी पहुंची, आपने वो जानकारी ग्रहण की है, तो जानकारी आपके माइंड में है, वो ज्ञान है। जब उसको लाइफ में उतारोगे तो वो बिहेवियर होगा, लाइफ में उतार लोगे बिहेवियर होगा, और बिहेवियर जो आपका बदला हुआ है तब जाके मैं बोलूँगा कि ये लर्निंग हुई है। तो आदत ज्ञान और अभिवृत्ति को ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। किसने बोला? करवेंट करो। अभिवृत्ति मतलब किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो जी इसको कैसे ध्यान रखें, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान दीजिए। क्रो एंड करो, तीन शब्द हैं इसमें, इसकी डेफिनेशन में भी तीन है। सी सी, पहला और तीसरा सेम सेम से बना हुआ है, सी सी, बीच वाला चेंज, पहला तीसरा सेम सेम, बीच वाला चेंज। आदत ज्ञान अभिवृत्ति को ग्रहण करना अधिकम कहलाता है। सेकंड है वुड्सवर्थ के द्वारा, वुड्सवर्थ, डब्लू डब्लू, दो से बना हुआ है, वुड्स वर्थ, दो से, डब्लू डब्लू। डेफिनेशन क्या? नई आदत और नई अनुक्रिया को ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। नई आदत और नई अनुक्रिया को ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। न्यू हैबिट एंड न्यू रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स देने का तरीका आपका चेंज हुआ है, नई आदत और नई अनुक्रिया को ग्रहण करना अधिकम कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स के विचारों की आदत होती है क्या, कि मैंने किसी बच्चे से कुछ पूछा, हाँ जी बेटा बताना है इसका आंसर, तो वो स्टूडेंट क्या करता है, वो स्टूडेंट अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है, वो क्या करता है, खड़े होकर आंसर बताता है, उसको बेचारे ने यही सीखा हुआ है। अब मैंने क्या कहा कि मुझे आंसर बताओ, चाहे बैठ के बता दो, कोई आपत्ति नहीं, आप जो है उठिए मत, आप क्या बैठे बैठे बता दें। अब वो बैठ के आंसर बता रहा है, उठना बैठना नहीं सिखाना था मुझे, मुझे आंसर सिखाना था। तो उसका रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदल जाता है आगे से। तो वो क्या है जी, वो जो डेफिनेशन किसने दी, वुड्सवर्थ ने दी। एक डेफिनेशन किसने दी, स्किनर ने। स्किनर शब्द किससे बना हुआ है, स्किनर शब्द बना शख्स से, स्किनर शब्द किससे बना, शख्स से। तो जब किसी पे शक हो जाता है तो क्या होगा, जब किसी पे शक होगा तो जानने की इच्छा बढ़ जाती है, जानने की इच्छा बढ़ जाती है। तो जानने की इच्छा में वृद्धि होना अधिगम कहलाता है, जानने की इच्छा में वृद्धि होना, ठीक है, अधिगम कहलाता है। मतलब जब किसी पे शक हो जाता है तो बस एक ही बात आती है कि जो कुछ है अभी बता दो, जितनी भी बात है जो भी बात है बस अभी बता दो, तो जानने की इच्छा में वृद्धि हो गई। डेफिनेशन किसने दी स्किनर ने, एक डेफिनेशन दी जे गिलफर्ड, जे गिलफर्ड, जे और ये किससे, जी से, ये जी से बना हुआ है, गिलफर्ड जी से, मैं इसको भी जे मान लेता हूँ, तो दोनों सेम सेम हो गए। अभी सेकंड वाले की मैंने मात्रा बदल दी, मतलब इसमें थोड़ा सा बदलाव भी आ गया, तो दोनों सेम सेम है, इस सेकंड वाले में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है कि ये व्यवहार और ये भी व्यवहार, इसमें बदलाव आ जाएगा। तो क्या बना, व्यवहार से व्यवहार में बदलाव, व्यवहार से व्यवहार में बदलाव अधिगम कहलाता है। मतलब एक व्यक्ति के व्यवहार से किसी दूसरे के व्यवहार में बदलाव आ जाता है, वो है अधिगम। किसने कहा, जे गिलफर्ड ने कहा। तो जी ये सीधी सीधी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दें, जैसे कि रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर एक जो होर्डिंग लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना वर्जित है, यह एक दंडनीय अपराध है और पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माना होगा। लेकिन एक युवा उस होर्डिंग के पास खड़ा है और वो वहाँ पे क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, उसने होर्डिंग पे लिखा हुआ पढ़ा भी है फिर भी वो स्मोकिंग कर रहा है। अब वहाँ पे कोई आता है जी, बुज़ुर्ग इंसान,
वो उस युवा को समझा देता है, वो कुछ भी समझाता है उसको, लेकिन वो युवा स्मोकिंग करना छोड़ देता है। मतलब उस बुजुर्ग ने कुछ इस प्रकार से समझाया कि उस युवा ने स्मोकिंग करनी छोड़ दी। उस बुजुर्ग इंसान के बिहेवियर से उस युवा इंसान के बिहेवियर के अंदर बदलाव आ जाता है। परिभाषा किसने दी? जे गिलफर्ड ने दी। ठीक है जी, तो ये है इसकी कुछ परिभाषाएं। इसके बाद नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, तो ध्यान दीजिए, वो दो टाइप से क्वेश्चन बना लेता है कि जी अधिगम को सबसे पहले कौन प्रभावित करेगा, या फिर वो कह देता है कि अधिगम को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करेगा। सबसे पहले प्रभावित कौन करेगा, या फिर इसको सर्वाधिक रूप से प्रभावित कौन करेगा, सबसे पहले या सर्वाधिक? तो जी सबसे पहले, जब सीखना चाहते हो तो सीखने का मन होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। मतलब क्या? जिज्ञासा। सबसे पहला कारक क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा थी तो आप सीखने आए, जो पढ़ाया उससे सेटिस्फाई हुए तो सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। फिर आसपास का वातावरण देखा जाता है, और लास्ट में आता है वो टीचर जो पढ़ा रहा है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि जी अध्यापक का कौन सा गुण शिक्षण में महारत प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। मतलब शिक्षण में महारत प्राप्त करने के लिए अध्यापक का कौन सा गुण? तो जी कौन सा गुण? उसका बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बिहेवियर का मतलब होता है प्रदर्शन, कि वो पढ़ा कैसे रहा है, उसका प्रदर्शन। बच्चे को समझ में आया था या नहीं आया था? ध्यान दीजिए, टीचर की नॉलेज को बच्चा जज नहीं कर सकता, टीचर के एक्सपीरियंस को बच्चा जज नहीं कर सकता। टीचर आता है क्लास में, कहता है मेरी ये जो क्वालिफिकेशन है, मैंने ये किया, मैंने IAS मेंस क्वालिफाई किया, मैंने HCS क्वालिफाई किया, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल का है। ये चीज़ें बच्चे के काम की नहीं है। क्या है काम का? टीचर ने बोर्ड पे जो कुछ पढ़ाया वो उस बच्चे को समझ में आया या नहीं आया? ठीक, अगर समझ में आया तो वो टीचर सही है, अगर समझ में नहीं आया तो चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, उसकी नॉलेज कुछ भी हो, उसका अनुभव कुछ भी हो। ठीक है जी, तो टीचर का बिहेवियर, शिक्षण में महारत प्राप्त करने के लिए, फेमस होने के लिए अध्यापक में कौन सा गुण सबसे अच्छा होना चाहिए, वो है उसका बिहेवियर। ठीक है जी, अब बात आई मान लीजिए सबसे ज़्यादा की, सबसे ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा होता है नीड एंड सिचुएशन। नीड एंड सिचुएशन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, नीड एंड सिचुएशन, आवश्यकता और परिस्थिति। ये नीड फैक्टर है जो कुछ भी करा दे आपके पास। जैसे पेपर में क्वेश्चन आया होगा, एक महिला ने भोजन प्राप्ति के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। क्यों बेच दिया? आवश्यकता। ऐसी महिला नहीं होती कोई जो अपने बच्चे को बेच दे, लेकिन कोई पार्टिकुलर कंडीशन ऐसी रही होगी, सिचुएशन ऐसी बन गई होगी कि बेच दिया गया। हो सकता है उस महिला ने भोजन के लिए भीख मांगी होगी, एक दिन दो दिन तीन दिन भीख मांगी होगी, उसको कुछ नहीं मिल पाया होगा। फिर उसने सोचा होगा कि जब आप अपना पेट नहीं भर सकते तो इस बच्चे को क्या खिलाओगे, इसका पालन पोषण कैसे करोगे। अब उसने उस बच्चे को किसी अच्छे परिवार में बेच दिया और उसको कुछ पैसा मिल जाता है, तो वो अपना काम भी चला लेती है और उसके मन को संतुष्टि हो जाती है कि बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से हो जाएगा। नीड एंड सिचुएशन। इसी तरह से पेपर में कभी एक क्वेश्चन और आया था कि एक महिला
अपने पति को शाम के आते समय जलेबी लाने के लिए कहती है। तो ये जलेबी क्या है यहाँ पे, ये एक विशिष्ट भूख है, स्पेशल हंगर है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए उस महिला ने सारा दिन खाना नहीं खाया, ऐसा कुछ नहीं है, उसने खाना खाया है। ये एक विशिष्ट हंगर है, विशिष्ट भूख है, स्पेशल हंगर है। और वो श्रीमान जी शाम के टाइम जलेबी नहीं लाते हैं तो उस टाइम की जो सिचुएशन बनती है वो इस लर्निंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर देती है। तो जी, इस तरह के ये दो क्वेश्चन आपके पास आए थे, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है, अगर ये चीज़ पूछी जाती है तो नीड एंड सिचुएशन, और अगर सबसे पहले पूछा जाता है तो जिज्ञासा, उसके बाद संतुष्टि, उसके बाद वातावरण, और उसके बाद उस टीचर का बिहेवियर, उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, ये तो बाद की बातें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करेंगे? अब मान लीजिए ये आप हैं, आप में दो केस, आपकी मानसिकता सबसे पहले प्रभावित करेगी और सेकंड है फिजिक, शारीरिक संरचना, आपकी मेंटलिटी और शारीरिक संरचना, ये इसको प्रभावित करते हैं। अब इस फिजिक में भी कुछ भी हो सकता है, हाइट है, कलर कॉम्प्लेक्शन है, हैंडीकैप्सी है। ध्यान दीजिए, पेपर में कभी क्वेश्चन आया था कि शारीरिक रूप से निशक्त बच्चे, दिव्यांग बच्चे, उन बच्चों के परीक्षा में मार्क्स कम आते हैं। दिव्यांग बच्चों के मार्क्स परीक्षा में कम आते हैं, क्यों आते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वो बच्चे सामाजिक हीनता का शिकार हो जाते हैं। अब मान लीजिए किसी परिवार में एक बेटा पैदा हुआ, बेटा हैंडीकैप्ड है, तो उस परिवार वाले स्टार्टिंग डेज में तो यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये भी बच्चा है, इसकी केयर करेंगे, इसका इलाज करवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसको हम ठीक करा देंगे। लेकिन उसी परिवार का कोई सदस्य एक महीना, दो महीना, तीन महीना बाद एक बात बोल देता है कि पता नहीं कौन से जन्मों का कर्म था। अब मान लीजिए उस लड़के का नाम है सोनू, दो अक्षर का नाम है, कोई भी नाम मान लीजिए, और वो बच्चा पैर से हैंडीकैप्ट है, मतलब वो है लंगड़ा, वो है लंगड़ा। तो जब किसी पारिवारिक सदस्य को गुस्सा आता है या फिर इसके दोस्त जो हैं क्लास में, वो दोस्त इसको इस नाम से बुलाना प्रेफर करते हैं जब किसी को गुस्सा आता है, इस नाम से नहीं, ये नाम दो अक्षर का था, वो ये दो अक्षर का नाम नहीं लेना चाहते, वो ये तीन वाला ले देते हैं। और ऐसा बोलने के कारण वो क्या होता है, वो फिर क्लास में पीछे बैठता है, कम से कम दोस्त बनाता है, मतलब ये बच्चा सामाजिक हीनता का शिकार हो जाता है और ये सीख नहीं पाता है, इसलिए इस बच्चे के मार्क्स परीक्षा में कम आते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अब आपका घर, घर परिवार मतलब पारिवारिक सदस्य, आस पड़ोस, समाज, रिश्ते नाते, दोस्त, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जॉब क्या है, आप जॉब कहाँ करते हैं, आपके पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है, पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है, पेरेंट्स जॉब क्या करते हैं, ये हर चीज़ अधिगम पर असर डालती है। ध्यान दीजिए, एक नॉर्मल सा कंसेप्ट कि ठीक है, अगर पिता बच्चों को उचित समय ना दे, अगर पिता अपने बच्चे को उचित समय ना दे तो बच्चा जिद्दी और लापरवाह होना स्वाभाविक है। अगर पिता
अपने बच्चों को उचित समय ना दे तो बच्चे का जिद्दी या लापरवाह होना स्वाभाविक है। ठीक है, अगर किसी परिवार में पति और पत्नी दोनों अध्यापक हैं तो उनके बच्चे जिद्दी लापरवाह होंगे। अगर दोनों अध्यापक हैं तो उनके बच्चे जिद्दी और लापरवाह होंगे। हो सकता है इंटेलिजेंट हो सकते हैं लेकिन जिद्दी तो ज़रूर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उन बच्चों में माता पिता की बात इग्नोर करने की क्षमता बहुत होती है। कहाँ से आई? टीचर हैं दोनों के दोनों टीचर हैं। तो जब बच्चा घर आता है, स्कूल से घर आया, तो मान लीजिए पिता मिले, पिताश्री कहते हैं बेटा काम कर ले, लिख के देख ले, कुछ पुराना याद कर ले, कुछ आगे पढ़ ले, रिवाइज कर ले, एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन। बच्चा इस बात को सुन सुनकर ऊब जाता है, फिर वो क्या करता है, उस पिता से दूरी बनाना शुरू कर देता है। पिता से दूरी बनाएगा तो ये लॉ ऑफ नेचर है, एक साइड से लगाव कम होगा तो दूसरी साइड बढ़ेगा। अब उसका लगाव माता की ओर बढ़ता है, लेकिन माता भी किस्मत से टीचर है। अब वो भी यही श्लोक, हाँ बेटा पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, लिख ले, पुराना याद कर ले, पेपर की तैयारी कर ले, कुछ नया पढ़ ले, तो बच्चा दोनों से दूरी बना लेता है, वो उनकी बात को इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो ये ऑक्यूपेशन, ये प्रोफेशन, ये हर चीज़ ठीक अधिगम को प्रभावित करती है। और ध्यान दीजिए, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो अधिगम को प्रभावित ना करे। जो भी शब्द आप बोल सकते हैं वो हर शब्द ठीक है अधिगम को प्रभावित करता है। तो ये थे अपने पास फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। इसके बाद आता है अधिगम की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की विशेषताएं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, अधिगम की विशेषताएं, ठीक, अधिगम की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या, ध्यान दीजिए। पहला है कि अधिगम जीवन पर्यंत होता है। ठीक है जी, मान ली जीवन पर्यंत होता है, लेकिन कब से कब तक? तो कुछ जगह पढ़ा देते हैं गर्भावस्था से मृत्यु तक, कुछ जगह बोल दिया जाता है जन्म के पूर्व, वही बात की जिन गर्भावस्था, जन्म के पूर्व से मृत्यु तक। लेकिन पेपर में कभी क्वेश्चन आया और आंसर दिया गया कि जन्म के पूर्व से शव यात्रा तक, ध्यान दीजिए, साइकोलॉजी में आत्मा एक शब्द है। तो जब आत्मा को मान लिया गया है, आत्मा नाम की कोई चीज़ है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, तो मरने के बाद भी उस शरीर का श्रृंगार किया जाता है। ठीक है, तो जी अधिगम वहाँ पर भी होता है, इसलिए आंसर ध्यान दीजिए, अधिगम कब से कब तक होता है? जन्म के पूर्व से शव यात्रा तक होता है, जन्म के पूर्व से शव यात्रा तक। सेकंड केस, अधिगम ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को जो कुछ आता है उसी में कुछ नया जोड़ने की कोशिश करता है। जब टीचर क्लास में पढ़ाए तो वो पढ़ाते वक्त बच्चे का आंकलन करता रहे, बच्चा जैसा प्रतिक्रिया कर रहा है उसके अनुसार उसका आंकलन हो जाता है और उसमें कुछ नया बताता रहे। जैसे मान लीजिए कि पूछ लिया गया कि जो है
शुक्रवार। हाँ जी बताइए शुक्रवार के बारे में, एक विद्यार्थी से पूछ लिया जाता है। विद्यार्थी कहता है कि ये इस दिन संतोषी माता का व्रत होता है शुक्रवार, ये क्यों करते हैं शुक्रवार का व्रत संतोषी माँ? ध्यान दीजिए, ठीक है, उस बेचारे को जितना पता है उसने आंसर बता दिया। अब इसके अलावा जो आप बता सकते हो बता दीजिए। शुक्र ग्रह के नाम पर ये नाम रखा गया था, दादा साहिब फाल्के का जन्म शुक्रवार, पहली बोलती फिल्म बनी शुक्रवार, पहली मूक फिल्म बनी, ठीक है, शुक्रवार, ठीक है। हर धर्म वाले ये मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना, ठीक है, शुक्रवार को की गई, तो ये शुक्रवार। इसी तरह से मैंने पूछा किसी बच्चे से कि बेटा मीरा कौन थी, अब वो क्या आंसर बताएगा? श्री कृष्ण की प्रेमिका, श्री कृष्ण की भक्त कौन थी मीरा? तो मीरा चित्तौड़गढ़ के राजा, ठीक है, राणा सांगा की पुत्रवधू थी, और विडो होने के बाद जब इनकी दूसरी शादी की बात की गई तो ये श्री कृष्ण को अपने पति और अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लेती हैं, मीरा ये थी। इसी तरह से दीपावली का त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। ध्यान दीजिए, उस अयोध्या में एक छोटी सी नगरी थी साकेत नगरी, उस साकेत नगरी के लोगों ने घी के दिए जलाए थे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, मान लीजिए मैंने बच्चे से कुछ पूछा, उसने आंसर बताया, उसने जितना बताया है उसी में कुछ नया जोड़कर बता दीजिए, वो क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और क्वालिटी क्या है जी? अधिगम आसान से मुश्किल की ओर होता है, आसान से मुश्किल की ओर, अधिगम आसान से मुश्किल की ओर होता है। मतलब पहले आसान चीज बताइए फिर मुश्किल चीज बताइए। जैसे जैसे कि बोलना सीखता है बच्चा, पहले आसान शब्दों का उच्चारण करता है उसके बाद मुश्किल शब्दों का उच्चारण करता है। या फिर एक ऐड आया करती थी अगर आपको ध्यान है तो, उस ऐड में एक छोटा बच्चा है उससे बुलवाया जाता है, बोलो बेटा एप्पल, फिर कहते हैं बोलो बेटा बनाना, और तीसरा एग्जांपल देता है बोलो बेटा चकोस्लोवाकिया, चकोस्लोवाकिया। तो जी ठीक है, आसान से मुश्किल की हो। इसी तरह से अधिगम सामान्य से विशेष की ओर होता है, अधिगम सामान्य से विशेष की ओर होता है। सामान्य से विशेष का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मान लीजिए एक प्रक्रिया है रोना, जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, रोना। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका सबसे पहला काम क्या है, रोना। जब ये बच्चा रोता है तो मुंह से आवाज आती है, आंखों से आंसू आते हैं, ये हाथ पैर मारता है, इसका पूरा शरीर हिलता है जब ये बच्चा स्टार्टिंग में रोता है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है तो रोने की प्रक्रिया विशेष होती चली जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ी हाथ पैर मारना बंद हो जाता है, मुंह से आवाज़ आती है, आंखों से आंसू आते हैं, थोड़ी सी एज और बढ़ी मुंह से आवाज़ आनी भी बंद हो जाती है, आँख से आंसू आते हैं, एज और बढ़ी आंसू आने भी बंद हो जाते हैं, वो अंदर ही अंदर सुबकना शुरू कर देता है घुटन। तो ये जो रोने की प्रक्रिया इस तरह से सामान्य से विशेष की ओर होती चली जाती है। जब बचपन में किसी बच्चे को पेंसिल पकड़ाई जाती है तो वो ऐसे पकड़ता है, जब प्रैक्टिस करता है पेंसिल ऐसे पकड़ता है, जब छोटा बच्चा चम्मच से खाना सीखता है तो चम्मच ऐसे पकड़ता है, यूं उठाएगा यूं डाल लेगा, मुँह तक जाते ही चम्मच उल्टी हो जाती है, और जैसे एज बढ़ती है तो चम्मच पकड़ने की।
ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज ठीक है जी, अधिगम के सिद्धांत। ठीक, अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग थ्योरीज। तो जी ध्यान दीजिए, एक थ्योरी है जो थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक के द्वारा, तो जी ध्यान दीजिए, THORN थॉर्न। थॉर्न का हिंदी मीनिंग क्या है? पंजा। ठीक है, पंजा किसका होता है? शेर, चित्ता, कुत्ता, बिल्ली, मतलब कैट फैमिली। कैट फैमिली एनिमल्स का होता है। तो इस थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया हुआ है जी? कैट पर, बिल्ली पर। इसने क्या किया एक बार देख लीजिए, इसने एक बॉक्स लिया, ध्यान दीजिए, एक बॉक्स लिया गया। किसी भी सिद्धांत में एक्सपेरिमेंट करते टाइम जो बॉक्स यूज किए गए हैं वो सभी बॉक्स कैसे हैं? नेटेड हैं, सभी बॉक्स जालीदार हैं। ये बॉक्स भी नेटेड है, ये सारे बॉक्स नेटेड बॉक्स हैं। ठीक है, इस बॉक्स में यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है, ये है गेट। ये इस गेट की पुली है, पुली मतलब कुंडी, ये है इसकी कुंडी। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे भूखी बिल्ली है, और इस बॉक्स के अंदर एक लकड़ी काटने की आरी रखी हुई है, उसमें लकड़ी काटने की आरी रखी हुई है। मतलब ये लकड़ी काटने की आरी का मतलब ये क्या शो ऑफ करता है कि बॉक्स, बॉक्स जो है किसका बना हुआ है? बॉक्स है जी वुडन, नेटेड बॉक्स है, वुडन है, लकड़ी का बना हुआ है। बाहर फिश रखी हुई है एज ए फूड, ये फूड है। अब इस भूखी बिल्ली को ये फिश दिखाई दे रही है, भूखी बिल्ली को ये फिश दिखाई दे रही है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है, इसकी जो स्मेल है, इसकी जो गंध है, ये बिल्ली इस ओर आकर्षित होती है। मतलब ये बिल्ली इस भोजन को ग्रहण करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है? वो ये है, वो ये एम है। ये जो एम है, ये जो फूड है, ये जो फिश है, ये इस सिद्धांत का मुख्य अंग है, ये मेन है यहाँ पे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस सिद्धांत में? एम। अब ये बिल्ली जो है उछल कूद करती है, इस बॉक्स को काटने की कोशिश करती है, ये बिल्ली इस भोजन को ग्रहण करने की कोशिश करती है। मतलब ये बिल्ली क्या कर रही है बार बार? ये बिल्ली प्रयास कर रही है, लेकिन ये इस भोजन को ग्रहण नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि सफल होने के लिए जो मेन स्टेप है उससे ये कहीं चूक जाती है, ये उस मेन स्टेप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इससे और ये असफल हो जाती है। तो इसको क्या बोल दिया गया? इसको बोल दिया गया प्रयास और भूल का सिद्धांत, इसको बोल दिया गया ट्रायल एंड फॉरगेटिंग मेथड, प्रयास और भूल का सिद्धांत। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बना देता है।
ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का कुछ विशेष नाम दिया गया था, इसको बोला गया था पजल बॉक्स। इस बॉक्स को एक विशेष नाम दिया गया, ठीक है जी, पजल बॉक्स। तो ये सिद्धांत क्या है? प्रयास और भूल का सिद्धांत। अब बिल्ली कोशिश कर रही थी, इससे गलती हो रही थी, फिर अचानक से इसका पैर इस कुंडी पर गिर जाता है, इस पुली पर गिर जाता है, गेट ओपन हो जाता है और बिल्ली दौड़ के अपना भोजन ग्रहण कर लेती है, ठीक है जी। अब यही एक्सपेरिमेंट जब सेकंड टाइम किया गया तो भोजन ग्रहण करने में कम समय लगा, यही एक्सपेरिमेंट जब तीसरी बार किया गया तो और भी कम समय लगा, जब यही एक्सपेरिमेंट दो या दो से ज़्यादा बिल्लियों के साथ किया गया तो समय और भी कम लगता है। उनके बीच में आपस में क्या होती है? प्रतियोगिता होती है, ठीक है। तो मतलब क्या, इसने कुछ कुछ प्राथमिक नियम बना दिए, इस सिद्धांत के साथ साथ कुछ प्राथमिक नियम बना दिए। जैसे एक तो बना दिया अभ्यास का नियम, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास का नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि आप बार बार अभ्यास करें, कोई चीज याद हो या ना हो, इस परिणाम पे ना जाएं। विद्यार्थी क्या करे? बार बार अभ्यास करे, वो चीज़ अपने आप याद होगी, एक टाइम आएगा कि वो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है, अभ्यास का नियम। सेकंड बना दिया प्रभाव का नियम। क्या कहता है प्रभाव का नियम? कि जी एक स्थिति में प्राप्त सफलता का प्रभाव दूसरी परिस्थिति पर भी पड़ता है, ठीक है, प्रभाव का नियम। एक स्थिति से प्राप्त सफलता का प्रभाव दूसरी स्थिति पर भी पड़ता है। प्रभाव, ध्यान दीजिए, प्रभाव का नियम क्या कहता है? कि एक परिस्थिति से प्राप्त सफलता का प्रभाव दूसरी परिस्थिति पर पड़ता है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कुछ और भी डाल दिया गया। ये कहता है कि एक अच्छे विद्यार्थी में कौन सा लक्षण होना चाहिए? एक अच्छे विद्यार्थी में कौन सा लक्षण होना चाहिए? तो वो अच्छा विद्यार्थी सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करे। अच्छे विद्यार्थी में कौन सा लक्षण होना चाहिए? वो सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करे। लेकिन विद्यार्थी गलती करते हैं क्या? अगर कोई एक पेपर पास ना हो तो जो दूसरे पेपर के लिए फॉर्म भरने का मन नहीं करता है, ठीक है, तैयारी करने का मन नहीं करता है, क्योंकि एक में फेल हो गए। और अगर एक में पास हो गए तो अपना कॉन्फिडेंस इतना बना लेते हैं कि दूसरे के लिए तो सोचते हैं कि हाँ इसकी तो तैयारी है ही, तो इस टाइप से कुछ ना किया जाए। अगर कोई विद्यार्थी असफल हो जाता है और जब उसका परिणाम पूछा जाता है, कोई पूछता है, तो वो क्या कहता है कि मैंने तो दिया ही नहीं था, मैं तो सेंटर पहुँच ही नहीं पाया, मेरा तो रोल नंबर गलत हो गया। मतलब वो ये साबित करने की कोशिश करता है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है कि उसने पेपर दिया ही नहीं था। और अगर वो पास हो जाता है तो उन जगहों पर भी फ़ोन कर देता है जहाँ कई कई साल बाद ना हो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए। ये अच्छे विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। अच्छे विद्यार्थी का लक्षण क्या है? सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करे। एक नियम बना दिया तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। तत्परता के नियम से अभिप्राय क्या है? इससे अभिप्राय यह है कि आप पहले से प्रिपेयर होकर मत आइए कि आज हम ये पढ़ेंगे, पता नहीं आगे चलकर सिचुएशन कैसी बन जाए, क्या होगा, दिमाग खराब हो जाएगा। हो सकता है किसी दिन अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कल सुबह 8:30 बजे मैथ्स की क्लास लगेगी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो कुछ विद्यार्थी मैथ की क्लास को लगाने के लिए 8:30 बजे अपना काम काज छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि मैथ वाले सर तो आए नहीं, तो हो सकता है विद्यार्थी का दिमाग ख़राब हो जाए। क्यों हुआ? क्योंकि आप अपने घर से मेंटली प्रिपेयर होकर आए थे कि आज तो मैथ पढ़ेंगे। ध्यान दें, पहले से प्रिपेयर ना हो, परिस्थिति अनुसार स्वयं को तैयार करें, ठीक, तत्परता का नियम इस चीज़ के बारे में बताता है। और इस थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि जी बार बार गलतियां करो और उन गलतियों से सीखिए,
किसी भी चीज को दोबारा पढ़ो तो महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो आपने पहली बार गलतियां की थी उन गलतियों में सुधार करने की कोशिश करें। इंसान अपनी गलतियों से सीखे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बना लिए जाते हैं या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ, सिद्धांत का नाम बताइए, ठीक है, सबसे मेन चीज क्या है, इसका एम क्या था, बॉक्स का नाम क्या था, इसके प्राथमिक नियम क्या थे, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बना देता है, ठीक है जी। तो ये था आपके पास प्रयास और भूल का सिद्धांत, किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। इसके बाद सेकंड जी वाटसन द्वारा एक एक्सपेरिमेंट वाटसन ने भी किया था, एक सिद्धांत वाटसन ने दिया, WAT वाट SON सन, सन मीन्स बेटा। तो वाटसन ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, अपने बेटे पर। वाटसन के बेटे का नाम, एल्बर्ट। एल्बर्ट की आयु कितनी है, 11 महीने। एल्बर्ट को एक टॉय दिया गया, क्या है, रैबिट, खरगोश। खरगोश किस कलर का है जी, वाइट है। तो ये क्या करता है एल्बर्ट, बार बार इस खरगोश के बालों में हाथ फिराता है और खुश हो जाता है। एल्बर्ट इस खरगोश के बालों में हाथ फिराता है और जो है खुश हो जाता है। तो फिर अचानक वाटसन ने क्या किया, वाटसन ने डरावनी आवाज पैदा की, तो इस आवाज को सुनकर बच्चा जो है डर जाता है। तो ये डर क्या है, डर एक संवेग है। डर क्या है जी, डर है संवेग। तो इस सिद्धांत का नाम क्या है, इसका नाम है संवेग जन्य सिद्धांत, इमोशन फॉर्मिंग थ्योरी। संवेग जन्य सिद्धांत, इमोशन फॉर्मिंग थ्योरी किसने दी, वाटसन ने दी। एक्सपेरिमेंट किस पे किया, जो एल्बर्ट पे किया। एल्बर्ट की एज कितनी है जी, 11 महीने, ठीक है। टॉय क्या है, खरगोश। एक चीज और ध्यान दें, अपनी साइकोलॉजी में ऐसा बताया जाता है कि डर, भूख और वात्सल्य ये बच्चे के अंदर जन्मजात होते हैं, लेकिन वाटसन बताता है कि डर बच्चे में पैदा किया जाता है, और आप जानते भी हो, 2 साल से कम आयु के बच्चे को डर के बारे में नहीं पता। जब माता पिता उसको डराने की कोशिश करते हैं, सो जा वरना बिल्ली आ जाएगी, सो जा वरना बंदर आ जाएगा, ये कर ले, ये ना कर, तो जब उस बच्चे को डराने की कोशिश करते हो तो वो बच्चा डरने लग जाता है। नहीं तो 2 साल से कम आयु का बच्चा तो हर वस्तु को खाने की वस्तु समझ लेता है, उसके आगे कंकर, पत्थर, चींटी, कुछ भी आ जाए वो हर चीज़ को उठा के खाने की कोशिश करता है। उसके आगे कोई कुत्ता भी आ जाता है तो उसके मुँह में हाथ डालने की कोशिश कर देता है वो, ठीक है। उसके मन में कोई किसी प्रकार का डर नहीं होता, डर कब आता है, जब उसको डराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। ये जो वही वाटसन है जिन्होंने एक वर्डिंग बोली थी कि आप मुझे 12 बच्चे दें, एक बच्चे की बात नहीं की थी इन्होंने, इन्होंने कहा था कि आप मुझे 12 बच्चे दें, जिस बच्चे को जो कहोगे वही बना दूंगा, ठीक है जी। तो ये वाटसन ने सिद्धांत कौन सा दिया था, संवेगजन्य सिद्धांत। इसके बाद तीसरा है मार्क्विस के द्वारा, मार्क्विस ने बीस भूखे शिशु लिए और इनको निप्पल और बोतल से दूध पिलाना सिखाया, अब क्या हुआ कि भूखा शिशु है, एज
2 साल से कम आयु है सभी की, तो सभी की एज 2 साल से कम है, तो इनको निपल बोतल से दूध पिला रहा है। भूखा शिशु क्या काम करेगा? रोएगा। जब पहली बार उसको निपल बोतल से दूध पिलाया, बच्चा निपल बोतल को एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई बात नहीं, कुछ देर बाद शांत हो जाएगा, फिर दोबारा भूख लगेगी, दोबारा रो लेगा। तो जो बच्चा जब भी रोया, उसको निपल बोतल से दूध दे दिया गया। तो 1, 2, 4 बार जब इस चीज़ को बार बार किया गया, तो बच्चा निपल बोतल से दूध पीना शुरू कर देता है। मतलब क्या बन गई बच्चे की? आदत। इसको क्या बोल दिया गया? आदत जन्य सिद्धांत, हैबिट फॉर्मिंग थ्योरी। आदत जन्य सिद्धांत, ठीक है, हैबिट फॉर्मिंग थ्योरी। हैबिट फॉर्मिंग मतलब कि अगर किसी बच्चे में किसी आदत का विकास करना है, तो हमें क्या करना है? पुनर्बलन। मार्क्विस ने क्या किया? पुनर्बलन यूज किया। एक बार रोया, दो बार रोया, तीन बार रोया, उसको बार बार निपल बोतल पकड़ाई गई। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि इन बच्चों को किसका दूध पिलाया गया? गाय, भैंस, बकरी या माँ? तो जी, इन बच्चों को उस मदर का दूध पिलाया गया जिसका ये बच्चा था। जो बच्चा जिस माता का है, उस माता का दूध सक्शन पंप से निकाल कर जो निपल बोतल के द्वारा ये दूध बच्चे को पिलाया गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कोहलर के द्वारा। कोहलर के द्वारा ध्यान दीजिए, कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? चिंपैंजी पर। चिंपैंजी का नाम क्या है? सुल्तान। चिंपैंजी में क्रोमोजोम कितने, गुणसूत्र कितने हैं? इसमें गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, 24 पेयर, ठीक है। चिंपैंजी में गुणसूत्र कितने हैं जी? 48। कितने जोड़े? 24 जोड़े, ठीक है। क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स सारे नेटेड हैं। मैंने पहले भी बताया था, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो बॉक्स यूज किए गए हैं, वो सारे के सारे जालीदार हैं, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान आसानी से हो सके, इनका प्रवाह हो सके। यहाँ पर भूखा चिंपैंजी है, यहाँ पे 2 वुडन बॉक्स हैं, अंदर 2 वुडन बॉक्स हैं, लकड़ी के बने हुए बॉक्स हैं। यहाँ ऊपर बनाना है, अभी भूखा चिंपैंजी बनाना देखता है, उनको ग्रैंड करने की कोशिश करता है, उछल कूद करता है, इसका हाथ बनाना तक नहीं पहुंच पाता है। फिर इसके मन में अपने आप आता है कहीं से कि ये बॉक्स भी तो रखे हैं, इनका कुछ यूज किया जा सकता है। तो ये एक बॉक्स के ऊपर चढ़ता है, हाथ नहीं पहुंचता है। अब ये क्या करता है? एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखता है, स्टेप सिस्टम से ऊपर चढ़ता है और बनाना ग्रहण कर लेता है। ये बात इसको किसी ने बताई नहीं थी, इसके मन में अपने आप आई थी, इसलिए क्या बोल दिया गया? इनर साइटेड थ्योरी। इसको क्या बोला गया? इनर साइटेड थ्योरी, अंतःदृष्टि का सिद्धांत। अंतःदृष्टि का सिद्धांत क्या बोल दिया गया? सूझबूझ का सिद्धांत, ठीक है जी। और एक एक्सपेरिमेंट और किया, एक बॉक्स लिया, बॉक्स सारे नेटेड हैं, बॉक्स जितने भी यूज किए सारे के सारे नेटेड बॉक्स हैं,
यहाँ पे दो स्टिक हैं जिनका डायमीटर अलग अलग है, दो स्टिक्स हैं जिनका डायमीटर अलग अलग है। यहाँ भूखा चिंपैंजी है, बाहर बनाना रखे हुए हैं। ये एक विंडो है जिसमें से स्टिक बाहर आ सकती है। तो ये चिंपैंजी इन बनानाज को देखता है, इनको ग्रहण करने की कोशिश करता है। इसके मन में आती है कि ये स्टिक पड़ी हैं, क्या काम आएंगी। ये एक स्टिक उठा के बाहर निकालता है, स्टिक बनानाज तक नहीं पहुंचती हैं। अब ये एक स्टिक में दूसरी स्टिक को एडजस्ट करता है, स्टिक की लेंथ वगैरह बढ़ जाती है, ये आराम से बनानाज ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का नाम इनर साइटेड थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट आपके पास है जी पेवलव के द्वारा। पेवलव के द्वारा, पेवलव ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? कुत्ते पे। क्या किया? ये एक बॉक्स है, बॉक्स सारे नेटेड हैं, सभी बॉक्सेस नेटेड हैं। यहाँ एक पोल है, इस पोल के साथ एक कुत्ता बांधा हुआ है, भूखा कुत्ता है। इस कुत्ते के मुंह में एक ग्लास पाइप है ताकि जो सलाइवा निकलता है उसका आंकलन किया जा सके, उसकी मात्रा को देखा जा सके और निकला या नहीं निकला इस चीज़ को चेक किया जा सके। यहाँ पर एक बेल लगी हुई है, एक विंडो है ताकि खाने की थाली अंदर जा सके। खाने की थाली दी जा सके। तो जी इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? एक बार बेल बजाई गई, ठीक, कुत्ता कैसा है? भूखा है। तो इसमें क्या किया गया? इसमें पहले बेल बजाई, बेल बजाई तो भूखा कुत्ता चौकन्ना हो जाता है जी। फिर इसको खाना दे दिया गया, पहले बैल बजाई फिर खाना दिया। तो इस खाने की थाली को जैसे ही देखता है कुत्ता, इस खाने को इसको देखता है तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। ठीक है, कुत्ते के मुंह में जो लार आ जाती है मतलब क्या? लार आई। किसको देख के? भोजन को। तो भोजन क्या है? भोजन एक नेचुरल चीज है, तो भोजन क्या है? नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस। लार आना भी क्या है? नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स, प्राकृतिक उद्दीपन, या आप कह सकते हैं स्वाभाविक उद्दीपन। लाराना भी क्या है? प्राकृतिक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कह लीजिए।
स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक स्वाभाविक अनुक्रिया। तो नेचुरल स्टिमुलस मतलब NS, नेचुरल रिस्पॉन्स मतलब NR। तो ये पूछ लेता है कि नेचुरल स्टिमुलस और नेचुरल रिस्पॉन्स का संबंध किसने दर्शाया, पेवलोव ने दर्शाया। तो जी फिर आगे क्या हुआ कि फिर अचानक से एक बार बेल बजाई गई, बेल बजाई, भोजन नहीं दिया गया, बेल बजाई भोजन नहीं दिया। लेकिन इस बार भी क्या हुआ, लार आई, लार आई। अब ये लार केवल बेल को सुन के आई है। बेल क्या है, बेल एक आर्टिफिशियल चीज है। तो ये कैसा स्टिमुलस है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस। रिस्पॉन्स कैसा है, लाराना क्या है, स्वाभाविक मतलब नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है जी, कृत्रिम उद्दीपन स्वाभाविक अनुक्रिया किसने समझाई, पेवलोव ने समझाई। ठीक है जी, अब ये सारे का सारा गेम किस पे था, बेल के बजने पे। तो बेल पर जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, शास्त्रीय होते हैं। तो इस सिद्धांत को क्या बोल दिया गया, इसको बोल दिया गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसको बोल दिया गया प्राचीन सिद्धांत, इसको बोल दिया गया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या ये कह लीजिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब इन थ्योरीज में कई बार तो क्वेश्चन इसी टाइप से सीधे बनते हैं, और कई बार क्वेश्चन बना देता है, जैसे कि एक बच्चा है, बच्चे का नाम है राजू। राजू, ठीक है जी, तो ये जो राजू है, ये राजू एक विंडो में बैठा है, खिड़की में बैठा है। अब बादल गरजे, बादलों की गर्जना सुनकर राजू कूद पड़ा, फिर शांत हो गया, फिर बादल गरजे, ये फिर कूद पड़ा, कुछ देर बाद फिर शांत हो गया, फिर बादल गरजे, ये फिर कूद पड़ा। तो ये कौन सा सिद्धांत है, ये है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनाया था कभी, कि आप अपने बच्चे को एक खिलौना दे देते हो, 2 साल से कम आयु का बच्चा है, उस बच्चे को आप खिलौना दे देते हो। अब बच्चा कई बार उस खिलौने को फेंक देता है, आप उस खिलौने को जो दोबारा उठा के पकड़ा देते हो, बच्चा उसको फिर फेंक देता है। आप उसको तीसरी बार पकड़ाते हो, बच्चा फिर फेंक देता है। हो सकता है बच्चे को पीट भी दो, लेकिन बच्चा उसको फिर भी फेंकता है। क्यों फेंकता है, क्योंकि उस खिलौने के जमीन पर गिरने से जो आवाज उत्पन्न होती है, उस आवाज को सुनकर बच्चे को खुशी मिलती है। बच्चा उस खुशी का बार बार एहसास करने के लिए खिलौने को फेंकता है। सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए तो कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बना लेता है, या फिर इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है स्किनर के, स्किनर। स्किनर ने एक्सपेरिमेंट रैट पर किया, स्किनर ने एक्सपेरिमेंट कबूतर पर किया, रैट पर भी किया था और इसने एक्सपेरिमेंट कबूतर पर भी किया था। क्या किया जी, एक बॉक्स है, बॉक्स तो सारे के सारे कैसे थे, नेटेड थे, जालीदार बॉक्स है, एक जालीदार बॉक्स। इस बॉक्स में चूहा या कबूतर, मतलब एक बार रेट और एक बार कबूतर, पिजन,
ये इस बॉक्स में बंद कर दिए जाते हैं। और यहां पर एक अनाज की पोटली है, इसमें क्या है, इसमें अनाज है, इसमें ग्रेन है, दाने हैं। अब ये रैट क्या काम करता है, इसमें मुंह मारता है, भूखा है तो इसको जो दिखाई देता है ये क्या करता है, इसमें मुंह मारता है। इसमें से कुछ दाने गिरते हैं, ये उन दानों को ग्रहण कर लेता है। सेम केस क्या जी, कबूतर, ठीक है, कबूतर इसमें अपनी चोंच मारता है, इसमें से दाने ही निकलते हैं, दाने निकलते हैं, कबूतर भोजन ग्रहण कर लेता है। तो इनको ये बात किसी ने बताई नहीं थी, इन्होंने तो बस वैसे इस काम को कर लिया था। ऐसा करने के पीछे कोई पार्टिकुलर उद्देश्य भी नहीं था, लेकिन मन में कोई गतिविधि चली हुई थी जिस कारण ऐसा किया गया था। मन में कुछ चला हुआ था, और मन में जो गतिविधि चलती है उसको बोला जाता है सक्रियता। इसलिए इन सिद्धांतों को बोला गया था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और क्या किया जी स्किनर ने, इस कबूतर को एट के आकार में दाने डाले जाते हैं, और इस कबूतर को नाचना व घूमना सिखाया जाता है, नाचना व घूमना सिखाया। तो कबूतर को नाचना या घूमना सिखाने के पीछे उद्देश्य है क्या, कुछ भी नहीं, बस यूं ही सिखा दिया। सेम केस, एक पथ है, इस पथ का नाम है हर्डल पथ, एक हर्डल पथ है, इसमें कुछ बैल वगैरह लगी हुई है, ये रैट इस पथ पर चलता है। जब इस रैट का पैर किसी बैल पे गिरता है तो आवाज होती है और इसको एक ग्रेन मिलता है। रैट पर, ये रैट जब चलता है तो इस पथ के ऊपर उसका पैर लगा, आवाज उत्पन्न हुई, बैल के ऊपर पैर लगा, आवाज उत्पन्न हुई, और ये अपना भोजन ग्रहण करता है, इसको दाना मिलता है, ठीक है। तो ये सब क्यों किए गए, इनके पीछे कोई किसी प्रकार का रीजन नहीं था, इन सभी का आंसर क्या था, बस यूं ही, बस सिद्धांत का नाम क्या है जी, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। मतलब स्किनर ने क्या चीज बताई कि इंसान के मन में कुछ गतिविधियां चलती रहती हैं जिस कारण, मतलब मन के अंदर कुछ कुछ ना कुछ गतिविधि चलती रहती है जिस कारण वो कोई गत्यात्मक क्रिया करता है। जैसे मान लीजिए कि जी क्लास में एक बच्चा बैठा है, वो बार बार अपने बालों में हाथ मार रहा है। अगर बच्चे से पूछेंगे बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्या कहेगा, बस यूं ही। एक बच्चा नाखून चबा रहा है, उससे पूछा क्यों कर रहा है ऐसा, बस यूं ही। एक बच्चा पैर के ऊपर पैर रख के पैर को जो है हिला रहा है, उससे पूछा क्यों, बस यूं ही। ध्यान दीजिए, बच्चा बालों में बार बार हाथ मार रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके मन में कोई गतिविधि चली हुई है। बच्चा मानसिक रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं है, बच्चे का ध्यान क्लास से बाहर है। बच्चा पैर पर पैर रख के पैर को हिला रहा है, उसका भी ध्यान क्लास में नहीं है, उसका ध्यान भी क्लास से बाहर है। एक बच्चा एक टक बोर्ड पे देखे जा रहा है, बच्चे ने 16 सेकंड में कोई पलक नहीं झपकी है। 16 सेकंड में एक बार पलक झपक लेनी चाहिए, अगर उसने पलक नहीं झपकी है इसका मतलब ये है कि बच्चे का ध्यान क्लास में नहीं है, उसके माइंड में कुछ एक्स्ट्रा गतिविधियां चली हुई। और अगर बच्चा नाखून चबा रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चा उस विषय वस्तु पर गहन चिंतन करने लग रहा है, जो आप पढ़ाने लग रहे हो उसके ऊपर गहनता से सोचने लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने क्यों की, आपके मन में कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी चली हुई है जिस कारण ये गत्यात्मक क्रियाएं होती हैं। तो जी वो सभी क्वेश्चन जिनका आंसर बस यूं ही दिया जाए, वो सभी किसने समझाए थे, स्किनर ने। कौन सा सिद्धांत था, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस तरह से आपके पास आते हैं लर्निंग थ्योरीज, सीधे सीधे पूछ लें या प्रैक्टिकली पूछ लिया जाए। इसके अलावा कुछ नियम और हैं जो आपके पास क्वेश्चन बना के पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक बच्चा है, बच्चा बैठा है चारपाई पे, बच्चे ने देखा कि उसकी ओर कोई बिल्ली आ रही है, बच्चा उस बिल्ली की ओर डंडा फेंक देता। अब वो बिल्ली जब भी उस बच्चे को देखती है भाग जाती है,
यह कौन सा सिद्धांत है? तुझे ध्यान दें, एक तो मनुष्य है और दूसरा इस मनुष्य के अलावा कोई और जानवर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को भी एनिमल्स में काउंट किया जाता है। तो एक तो मनुष्य और एक इसके अलावा कोई और जानवर, अगर इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का अधिगम होता है तो वहां पर हमने आंसर लगाना होता है संबंध सहजता का नियम, संबंध सहजता का नियम, स्लो रिलेशनल थ्योरी, संबंध सहजता का नियम। संबंध सहजता, ये जानवर सहज सहज सीखता है, जैसे किसी सर्कस में जानवरों को सिखाया जाता है, शेर को सिखाया गया, बंदर को सिखाया गया, कुत्ते को सिखाया गया, इनको सिखाया जाता है। तो ये जो कैसे सीखते हैं जी, ये सीखते हैं संबंध सहजता के नियम से। कई बार ये क्या करता है कि एक तो और भी क्वेश्चन, जैसे ये कहता है कि संबंध सहजता के नियम के द्वारा सिखाने के लिए किस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग किया जाए। ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम किसी को सिखाने के लिए कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि जो है तो एग्जाम्पल लेकिन सभ्य नहीं होते और हम उसका यूज करते रहते हैं। जैसे कि जी, अपने घर में किसी को सिखाने के लिए कि बेटा सफाई किया कर, ये बात आप उसको बताना चाहते हो और उसको बताने के लिए कहावत यूज कर लेते हो कि कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है। तो मतलब आप अपने बच्चे की कल्पना किसके साथ कर रहे हो, कुत्ते के साथ। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स का यूज ना किया जाए। संबंध सहजता का नियम, एक मनुष्य और एक कोई और अन्य जानवर, तो इस तरह से क्वेश्चन बना ले। या फिर एक क्वेश्चन डाल दिया कि एक बच्चा है, शाम के टाइम बच्चा अपनी माताजी से दूध मांगता है, माताजी क्या काम करती हैं, गिलास के अंदर दूध डाल देती हैं और ऊपर स्लैब पर से एक जो डिब्बा उतारती हैं और उसमें से चीनी या फिर और कोई चीज, बॉनविटा वगैरह, ठीक है, तो ये चीजें उस गिलास में डाल के उसको मिला के बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा पी लेता है। फिर अगले दिन बच्चा दोबारा से सेम चीज दूध मांगता है, इस बार वो मम्मी एक डब्बा उतार के कुछ नहीं डालती है, लेकिन बच्चा कल वाली बात को ध्यान रखता है और वो उस मम्मी की तरह खुद उस स्टूल के ऊपर चढ़ के स्लैब से वो बर्तन उतारता है और उस दूध में डाल लेता है। कौन सा सिद्धांत है? यह है अनुकरण का सिद्धांत। कौन सा नियम है जी? यह है अनुकरण का नियम। और कई बार क्या होता है कि बच्चा कोई काम कर रहा है, उस बच्चे ने किसी को देखा नहीं ऐसा करते हुए, लेकिन उसके मन में अपने आप आ जाती है। जैसे कि बच्चे ने, मान लीजिए दूध की बात कर ले, दूध मांगा, माता श्री ने दूध पकड़ा दिया, अब उस बच्चे के मन में कुछ शरारतें आ जाती हैं, वो कोशिश करता है कि किसी बॉक्स में कुछ होगा उसको डाल लिया जाए, अपने आप वो इस तरह ही कोशिश करता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बना देता है तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये किस में जाएगा? ये जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और कोई भी नियम नीचे लिख दिया जाता है, ये पूछ लेता है कि बच्चे ने ये किया ये नहीं किया, कौन से सिद्धांत के अनुसार ये किया। तो ये थी आपके पास लर्निंग थ्योरीज। इसके बाद हम करेंगे अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफरेंस ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण। तो आपको ध्यान होगा जी, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। आपको ध्यान होगा जो है शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, पार्श्विक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक, स्थितिज, कुछ भी। तो क्या होते हैं, मान लीजिए आपने कुछ सीखा, आपने एक ज्ञान ग्रहण कर लिया, आपने कोई ज्ञान ग्रहण किया, आज आप कोई नया ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पहले वाला ज्ञान
इस नए ज्ञान के ग्रहण करने में बाधा बन रहा है, कैसा स्थानांतरण होगा? नकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफरेंस। आपने कोई ज्ञान सीखा, आज आप कुछ नया ज्ञान सीख रहे हो। आपने कोई ज्ञान सीखा, आज आप कुछ नया सीख रहे हो, ये इसमें पॉजिटिवली हेल्प कर रहे हैं। इसको किस में काउंट कर लेंगे, इसको कर लेंगे, यह है सकारात्मक स्थानांतरण। मतलब एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान दूसरी परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो नकारात्मक, एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान दूसरे ज्ञान को ग्रहण करने में सहायता कर रहे हैं तो जो सकारात्मक, एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान दूसरे ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है तो शून्य स्थानांतरण, तो उसको बोल दिया जाएगा शून्य स्थानांतरण। अब आप मान लीजिए एक विषय में कोई ज्ञान ग्रहण करने लगा, एक विषय कोई भी विषय, मान लीजिए आपने गणित सीखा, आप जो है गणित में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सीख लिया है। अब आप दूसरा विषय सीख रहे हो इंग्लिश, तो ना तो ये गणित इंग्लिश में कुछ हेल्प करने वाला है, ना ही इंग्लिश इस गणित में हेल्प करने वाली है, ना कोई लॉस, कुछ नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसने किस टाइप से बनाया कि आपको गणित का उचित ज्ञान है और आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ना ही गणित जो है इस पर प्रभाव डाल रहा है इंग्लिश पे, ना ही इंग्लिश गणित पे, दोनों दोनों ज्ञान बढ़ रहे हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पार्श्विक स्थानांतरण, पार्श्विक स्थानांतरण। लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप से बना दिया जाए कि एक विषय में ज्ञान बढ़ेगा तो दूसरे विषय में भी ज्ञान बढ़ेगा, एक विषय का ज्ञान कम होगा तो दूसरा भी कम हो जाएगा, मतलब ये क्या है, समानांतरण स्थानांतरण, समानांतर स्थानांतरण, पैरेलल ट्रांसफरेंस। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। और ध्यान दें, कई बार ये द्विपार्श्विक, कई बार त्रिपार्श्विक इस तरह के कंसेप्ट डाल देता है। पार्श्व का मतलब होता है बगल, मतलब साथ साथ चलना। दो विषय हैं तो उसको द्विपार्श्विक बोल देंगे, तीन का केस है तो उसको त्रिपार्श्विक बोल देंगे। इस तरह से आपके पास होता है स्थानांतरण। इसके बाद नेक्स्ट है जी, अधिगम में अवरोध, अधिगम में अवरोध। तो आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा पूर्वोन्मुखी, पूर्वोन्मुखी अवरोध। एक शब्द और भी सुना होगा पश्चोन्मुखी, पश्चोन्मुखी अवरोध। पूर्वोन्मुखी या फिर पश्चोन्मुखी अवरोध। तो ध्यान दीजिए, पश्च का मतलब क्या, पश्च का मतलब क्या होता है, बाद में। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। उन्मुख का मतलब क्या होता है जी, उसकी ओर अग्रसर होना। उन्मुख का मतलब क्या होता है कि अग्रसर होना, बढ़ना, किसकी ओर बढ़े जा रहे हैं, हमने ये केस देखा। अब मान लीजिए ये कोई पूर्व ज्ञान है और ये कोई नवीन ज्ञान है, तो बच्चे ने कोई ज्ञान ग्रहण किया गया किया हुआ है, आज वो कोई नवीन ज्ञान ग्रहण कर रहा है। पहले का ग्रहण किया गया ज्ञान
इस नवीन ज्ञान को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कौन से को ग्रहण करने में? नवीन को, बाद वाले को, इसको ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा पश्चोन्मुखी। इसको बोलेंगे पश्चोन्मुखी अवरोध। और ये कहता है कि मतलब यहां क्या था, पहले का ज्ञान बाद वाले में बाधा उत्पन्न कर रहा है। और सेकंड कंडीशन ये डाल देता है, मान लीजिए बच्चे को कोई पूर्व ज्ञान है और कोई टीचर न उसको नवीन ज्ञान दे रहा है, हो सकता है नवीन ज्ञान इतने इंप्रेसिव तरीके से दिया जा रहा है कि बच्चा पहले वाले को भूल जाता है, पहले वाले को भूल जाता है। तो या फिर बाधा, मतलब ये ज्ञान इसको बनाए रखने में, इसको बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व इसको बोल देंगे पूर्वोन्मुखी अवरोध। ठीक है जी, तो ये है अधिगम के अवरोध। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र ग्राफ पूछ लेता है ये कि जी ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, ये कहता है कि एज बढ़ने के साथ साथ ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। एज बढ़ने के साथ साथ ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। तो ये कैसा वक्र है? ये है जे शेप्ड। ये वक्र कौन सा है? ये है जे शेप्ड। और ये कहता है कि एज के साथ साथ ज्ञान में बढ़ोतरी हुई और एक समय आने पर ज्ञान में स्थिरता आ गई। ज्ञान में स्थिरता आ सकती। कौन सा वक्र है? एस शेप। ठीक है, तो जी ये आपके पास इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही आज के लिए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नेक्स्ट चैप्टर को लेकर एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, अधिगम संबंधी अयोग्यताएं। लर्निंग डिसऑर्डर्स मतलब लर्निंग क्या था आपके पास? सीखना या अधिगम। और इसको सीखने में बच्चे को किस किस प्रकार की परेशानियां होती हैं? अक्षमताएं। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा सीख नहीं सकता है, बच्चा सीख सकता है, लेकिन सीखने में उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
तो ये प्रॉब्लम्स कब आती हैं, क्यों आती हैं, एक जो है एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये आप हैं, आप किसी वातावरण में रहते हैं, आपका कोई खान पान भी है, खान पान संबंधी आदतें हैं, आप किसी वातावरण में रहते हैं, खान पान संबंधी आदतें हैं, और मनुष्य के शरीर में हार्मोन्स होते हैं। अब वातावरण चेंज हो जाए किसी कारणवश, आपका वातावरण बदल जाए किसी कारणवश, खान पान संबंधी आदतों में बदलाव आ जाए, या फिर इंसान की जो थॉट्स हैं उन थॉट्स में बदलाव आ जाए। ध्यान दीजिए, मनुष्य की सोच कभी भी बदल सकती है, किसी भी पॉइंट सिचुएशन पर बदल सकती है। तो सबसे ज़्यादा मनुष्य की सोच बदलती है। तो ये जो बदलाव आया, इन सब के कारण मनुष्य के शरीर में हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, और जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसको कुछ विकार होते हैं, मानसिक विकार होते हैं, वो मानसिक विकार आपके पास बोले जाते हैं लर्निंग डिसऑर्डर्स। खान पान वातावरण और थॉट्स इनके बदलने से हार्मोन्स चेंज होते हैं, और जो मानसिक विकार आता है उसको बोला जाता है लर्निंग डिसऑर्डर। मतलब क्या, लर्निंग डिसऑर्डर क्यों हुए? लर्निंग डिसऑर्डर मानसिक विकार के कारण हुए। ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है, ये एक बाह्य प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है? तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक डिसऑर्डर आपने पढ़ा होगा, डिसलेक्सिया, ठीक। हिंदी मीनिंग क्या है जी? हिंदी मीनिंग है पठन विकार, डिसलेक्सिया पठन विकार। मतलब क्या है कि बच्चे को पढ़ने से संबंधित समस्या है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, पढ़ना तो आता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वातावरण, खान पान या सोच के कारण कुछ मानसिक विकार हुए थे। मतलब क्या कि हो सकता है वो संवेगों के तीव्र प्रवाह के कारण, ठीक है, गलत पढ़ रहा हो, लिख कुछ रखा है, पढ़ कुछ रहा है। हो सकता है वो ज़्यादा स्पीड के कारण गलत पढ़ रहा हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक बच्चा है, मान लीजिए क्लास में बैठा है, विद्यार्थी है कोई, उस विद्यार्थी को बोल दिया, बेटा पाठ पढ़, ठीक, आगे आ जाइए, पाठ पढ़ के सुनाओ। उसकी आवाज़ अटकने लग जाती है, पढ़ नहीं पाता है वो प्रॉपर तरीके से। हो सकता है उसके मन में डर है, हो सकता है उसके मन में हेजिटेशन है, उसका कॉन्फिडेंस कम है, बच्चे का कॉन्फिडेंस कम है, उसमें हेजिटेशन ज़्यादा है, उसमें डर ज़्यादा है। तो इन सब के कारण क्या हुआ, उसमें पढ़ने संबंधी विकार आ जाता है। मतलब पठन विकार का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि पढ़ते समय किसी आंतरिक प्रक्रिया के कारण, किसी आंतरिक परेशानी के कारण बच्चा जो गलत पढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, एक केस और, पेपर में कभी एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा श्या को वाज पढ़ता है, कौन सा विकार है तो पठन विकार, लेकिन पठन विकार में कुछ स्पेशल आ जाता है यहाँ पे, इसको बोलेंगे शाब्दिक अव्यवस्था, इसको बोलेंगे वर्ड जंबलिंग, शाब्दिक अव्यवस्था। ध्यान दीजिए, अगर श्या को वाज पढ़ रहा है तो क्या है, शाब्दिक अव्यवस्था, वर्ड जंबलिंग। केवल एक एग्जांपल दे रहा है अपने पास ही, और भी कुछ कह सकता था ये, एक बच्चा सुनील को सुलीन पढ़ रहा है, एक बच्चा न्यूक्लियर को
अनक्लियर पढ़ रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए। अगर एक एग्जाम्पल के द्वारा पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन, केवल एक केस, शाह को वाज पढ़ रहा है, या ये कह दे कि सुनील को सुलीन पढ़ रहा है, या न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, किस प्रकार का विकार है, तो इसमें हमने सबसे पहले आंसर लगाना होता है वर्ड जंबलिंग। अगर ऑप्शन में वर्ड जंबलिंग ना हो, अगर ऑप्शन में वर्ड जंबलिंग ना हो तो इसमें आंसर दिया जाता है, अगर ऑप्शन में वर्ड जंबलिंग नहीं है तो फिर आंसर देंगे पठन विकार, पहले क्या वर्ड जंबलिंग। लेकिन एक केस और, अगर वो एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दे देता है, शाह को वाज पढ़ रहा है, सुनील को सुलीन पढ़ रहा है, एक से ज़्यादा एग्जाम्पल देता है, तब आंसर वर्ड जंबलिंग नहीं देना है, तब आंसर पठन विकार देना है। मेरा कहने का मतलब, अगर केवल एक एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन बनाता है तो शाब्दिक अव्यवस्था आंसर होगा, अगर एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दे के बनाता है तो आंसर डिसलेक्सिया पठन विकार होगा। पठन विकार का मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि किसी प्रकार की मानसिक अव्यवस्था या किसी प्रकार के मानसिक विकार के कारण, हो सकता है ध्यान एकाग्रता की कमी के कारण, बच्चा इन चीज़ों को प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है जी, तो एक विकार आपके पास था डिसलेक्सिया, तो हो सकता है वो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है डिसलेक्सिया क्या है, पठन विकार क्या है, हो सकता है कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, वो ये भी पूछ सकता है कि ये होता क्यों है, इस प्रकार के विकार हुए क्यों, इसका उचित कारण बताइए। सेकंड केस, सेकंड हमने पढ़ा डिस ले लिया, डिस ले लिया क्या होता है, डिस ले लिया होता है वाक विकार, वाक विकार, वाक मतलब विकार मतलब बोलने संबंधी। अब ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं आता है, बोलना आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वही हेजिटेशन, वही डर, कॉन्फिडेंस की कमी, ठीक है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन, तो इनके कारण बच्चा किसी चीज़ का उच्चारण गलत कर देता है। ठीक है, उसका उच्चारण गलत कर रहा है, अति संरक्षण के कारण भी ऐसा हो सकता है, ध्यान दीजिए, कई बार वो कारण पूछ लेता है कि इस प्रकार के विकार के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है या कौन सा उचित कारण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पूछ लेता है। तो जी अति संरक्षण, जैसे अब मान लीजिए पेरेंट्स अपने बच्चे का अति संरक्षण कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, ज़्यादा लाड प्यार के कारण बच्चे की जो है ट्यूनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है जी, डिसग्राफिया क्या है, डिसग्राफिया है लिखने संबंधी विकार, या फिर ये कह लीजिए ड्राइंग बनाने संबंधी। अब ऐसा नहीं है कि आपको लिखना नहीं आता है, लेकिन आप जब ध्यान से नहीं लिखते हो, जब ध्यान एकाग्रता की कमी होती है, तो कुछ का कुछ बन जाता है। लिखने संबंधी विकार कब होता है, ध्यान एकाग्रता की कमी, अभ्यास की कमी, ध्यान एकाग्रता की कमी लगा लीजिए, अभ्यास की कमी लगा लीजिए, या फिर क्लास में तो बैठे हो, मेंटली रूप से कहीं और प्रेजेंट हो, प्रॉपर नहीं लिख पाते हो। फोर्थ है डिसएंटीग्राफिया, डिसएंटीग्राफिया क्या होता है, डिसएंटीग्राफिया होता है अक्षर की नकल उतारने संबंधी विकार, अक्षर की नकल उतारने संबंधी विकार, अक्षर की नकल उतारने संबंधी विकार। मतलब क्या कि आगे कुछ लिखा हुआ है, आप उसकी नकल नहीं उतार पाते हो, या फिर हो सकता है कोई आपके पास किसी प्रकार की ड्राइंग बनाने के लिए बोल दिया जाए, जैसे कि कुछ एक क्लासेस में होता था ड्राइंग के पेपर में कि एक ईंट है, ईंट के ऊपर गिलास रख दिया है, उसके ऊपर एक जो कार्डबोर्ड लगा दिया, गत्ता लगा दिया, बच्चों को बोल दिया बेटा ऐसा डिज़ाइन बना लीजिए, तो बच्चा देख कर भी नहीं बना पाता है, वो क्या है डिसएंटीग्राफिया। लेकिन कुछ तो बनाता है, सही बनाएगा, गलत बनाएगा, थोड़ा बहुत तो बनाएगा, लेकिन प्रॉपर सही क्यों नहीं बना, क्योंकि ध्यान। अब क्लास में टीचर जैसे छोटी एज में बच्चे को ये ए आ ई ई ये चीज़ें दे दी गई, अब उसको कह देते हैं बेटा लिख के ले आना इस पेज को,
वो बच्चा अपने आप नहीं लिख पा रहा है, क्यों? उसका ध्यान तो कहीं और है। ठीक है, तो जी ये भी ध्यान संबंधित विकार था, डिसएंटीग्राफिया। नेक्स्ट है जी डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया होता है गणना संबंधी विकार, गणना संबंधी। डिसकैल्कुलिया क्या है? ये है जी गणना संबंधी। गणना संबंधी का मतलब ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, कैलकुलेशन तो आती है, लेकिन किसी प्रकार की मानसिक उदेड़बुन के कारण, किसी प्रकार की चिंता के कारण, मेंटल बर्डन के कारण कैलकुलेशन गलत हो जाती है। ध्यान दीजिए, कुछ इंसान जब कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्कआउट करते हैं और आसपास में अगर बच्चे खेलते हों, शोर करते हों, तो वो कैलकुलेशन गलत होने का उनका जो कारण किसको मानते हैं? बच्चों को, कि यहाँ से चले जाओ, दूर जाके आवाज़ करो, यहाँ पे मेरे आसपास आवाज़ मत करो। गलती होगी, क्यों होगी? गणना संबंधी विकार। डिसकॉन्फिडेंसिया, विश्वास संबंधी विकार। विश्वास संबंधी विकार, डिसकॉन्फिडेंसिया, विश्वास संबंधी। विश्वास संबंधी मतलब कि जी अपने ऊपर विश्वास प्रॉपर हो, ना कम हो ना ज्यादा हो, ना कम हो ना ज्यादा हो, किसी दूसरे के ऊपर विश्वास कम या ज्यादा ना हो, उचित विश्वास हो जितनी आवश्यकता है, खुद पे या किसी और पे, खुद पे या किसी और पे विश्वास उचित होना चाहिए। ठीक है, डिसकॉन्फिडेंसिया। और ध्यान दीजिए, इसके बाद डिसजेनेसिस, डिसजेनेसिस बांझपन। ठीक है जी, डिसजेनेसिस क्या है? बांझपन। डिसमनेशिया, डिसमनेशिया होता है मानसिक उलझन, मानसिक उलझन। डिसबुलिया, डिसबुलिया होता है मानसिक कष्ट। तो ध्यान दीजिए, कष्ट और उलझन में अंतर क्या है? कष्ट और उलझन में अंतर क्या है? मान लीजिए किसी बच्चे का कोई एग्जाम है, मान लीजिए आपका जैसे सीटेट का पेपर है, और उसी दिन परिवार में कोई शादी है, 8 दिसंबर का पेपर है, 8 दिसंबर की शादी है, शादी भी किसी खास की है, तो मन में ये विचारधारा कि पेपर दें या शादी अटेंड करें, क्या है ये? मानसिक उलझन। या फिर ये कह लीजिए कि आपके दो एग्जाम हैं एक ही दिन में,
कोई बैंकिंग सेक्टर का है या कोई एसएससी वगैरह का है, उसी दिन आपका सीटेट का है, क्या किया जाए? उसी दिन कोई स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का सेम सेम जो आ जाते हैं एग्जाम्पल, जो एग्ज़ाम एक ही दिन में, तो क्या किया जाए? वो क्या है? वो है मानसिक उलझन, वो आपकी मानसिक उलझन है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दें, प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी उसको दें जो आपके काम आना है, जो आपके काम आना है। पेपर ऐसा दें, पेपर देना है। दो टाइप के कैंडिडेट आते हैं समझाने वाले, एक ये कहता है कि पेपर दीजिए आपकी लाइफ का सवाल है, शादी तो आपके बिना भी हो जाएगी, ये है वो है। और एक कैंडिडेट आता है शादी अटेंड करो, पेपर तो 6 महीने बाद दोबारा भी होगा, शादी कौन सी दोबारा हो। ठीक, तो मतलब ये दो टाइप की विचारधाराएं बनती हैं। ये क्या है? मानसिक उलझन है। मानसिक कष्ट होता है जो लॉन्ग लाइफ रहता है। मानसिक कष्ट होता है जो लॉन्ग लाइफ होता है। मानसिक कष्ट लॉन्ग लाइफ। ठीक है, तो ये है डिसबिलिटियां। इसी तरह से डिसलोजिया, डिसलोजिया होता है ध्यान केंद्रित करने संबंधी विकार। ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, मतलब कुछ विद्यार्थियों का ध्यान बार बार भंग होता है, वो उनकी मानसिक सोच है। बार बार दाएं बाएं देखना, बाहर कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, किसी दूसरे के काम में ध्यान देना, डिसलोजिया। ठीक है, नेक्स्ट है डिसआर्थ्रिया। डिसआर्थ्रिया होता है भाषण संबंधी दोष, भाषण संबंधित दोष। मतलब ऐसा नहीं है कि भाषण देना नहीं आता है, लेकिन कई बार इमोशनल रूप से या किसी पर कटाक्ष करते हुए, मतलब संवेगों का तीव्र प्रवाह के दौरान कुछ का कुछ बोल देते हैं। कुछ इंसान ऐसे होंगे जो जब भी भाषण देंगे कोई ना कोई विवादित कथन उसमें यूज कर लेते हैं। बोल दिया जाता है जाने अनजाने। क्यों बोल दिया? कौन सा विकार? डिसआर्थ्रिया। इसके बाद नेक्स्ट है डिसबेसिया। डिसबेसिया क्या है? डिसबेसिया होता है चलने संबंधी विकार। चलने संबंधित विकार, मतलब ऐसा नहीं है कि चलना नहीं आता है, लेकिन आपकी जो चाल डाल है वो आपके आपके जो विचारों के अनुसार, आपकी सोच समझ के अनुसार बदलती रहती है। आप जिस दिन उचित श्रृंगार करके चलते हो उस दिन चाल डाल कुछ और होती है। जिस दिन मन में डर होता है चाल डाल कुछ और होती है। एक बच्चे ने स्कूल में चोरी की, किसी की कॉपी फाड़ दी, किसी बच्चे के साथ मारपीट की, तो वो स्कूल से घर जाएगा तो उसकी चाल डाल कुछ और होगी। एक बच्चा जब अपनी मस्ती में चलता है चाल डाल कुछ और होती है। तो ये आपका जो चलने संबंधी विकार है ये आपकी मानसिकता के बारे में दर्शाता है, आपकी सोच समझ के बारे में दर्शाता है। नेक्स्ट है एफेजिया। ये होता है विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति करने संबंधी विकार। विचारों की अभिव्यक्ति करने संबंधी विकार। विचारों की
विचारों की अभिव्यक्ति करने संबंधी विकार, विचारों की अभिव्यक्ति। मतलब जैसे कुछ विद्यार्थी हैं टीचर के सामने बोल नहीं पाते, कुछ विद्यार्थी अपने अपने पिताश्री के सामने नहीं बोल पाते, मन में जो बात होती है नहीं कह पाते हैं, तो विद्यार्थी किस प्रकार के विकार से ग्रस्त हैं? एफेज्या। ये विचार लिखकर भी हो सकते हैं, ये विचार बोलकर भी हो सकते हैं, ये विचार निबंध बनाने संबंधी भी हो सकते हैं। जब आप निबंध लिखते हो तो ये उस केस में भी हो सकते हैं। तो ये क्या था? एफेज्या। तो जी ध्यान दीजिए, ये आपके थे लर्निंग डिसऑर्डर्स। कोई ना कोई डिसऑर्डर इसमें पूछ लिया जाता है, या तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है या फिर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देके पूछ लेता है कि बच्चा किस प्रकार के विकार से ग्रस्त है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम एक बार जरूर मिलेंगे। आज के लिए थैंक्स।